हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वीवो V17 लॉन्च हो चुका है और काफ़ी लोगों के बीच में अब सवाल आ गया है कि वीवो V17 लिया जाए या हमारा फेवरेट M30S लिया जाए। तो इस वीडियो में आपको मैं पूरा बताने वाला हूं अपने विचार और कंपैरिजन विद दिस फ़ोन विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट मिड रेंज फ़ोन ऑफ 2019। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीवो V17 जो अभी कल परसों लॉन्च हुआ है वस M30S, इसमें से अगर आप लेने के सोच रहे हैं मिड रेंज फ़ोन तो इन दोनों में से कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। और अगर आप नए इस चैनल पे तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे लेते हैं हम ड्रोन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन और टेक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, जिसमें टेक में आते हैं मोबाइल, लैपटॉप, एवरीथिंग अबाउट टेक विच आई यूज़। तो स्टार्ट करते हैं वीवो 17 से कंपेरिजन करते हैं M30S का, और मैं बताता हूँ कि आपको इसके मुकाबले में थोड़े और पैसे खर्च के वो फ़ोन लेना वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। और ये वीडियो आपको क्लेरिफाई कर देगा मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से और मेरे नॉलेज के हिसाब से, कि आपको ये फ़ोन लेना चाहिए या वो लेना चाहिए, किस में आपकी मतलब जेब पे बेटर है, वैल्यू फॉर मनी है, वो आपको पता लग जाएगा। तो दिखाते हैं पहले आपको फ़ोन, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, वीवो काफ़ी छाया हुआ है आजकल स्पॉन्सरशिप्स में, बिग बॉस वगैरह में कर रहा है, तो उस हिसाब से इन्होंने अब ये V17 Pro का छोटा भाई V17 निकाल दिया है ताकि मिड रेंज को ये कवर कर सकें। तो इसमें इन्होंने देने के लिए तो ये इसकी ख़ास बात बताई गई है कि इसमें 10 पिन होल कैमरा है फ्रंट में, जिसकी मदद से आपको फ्रंट का जो स्क्रीन है काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। बट मेरे हिसाब से अगर आप एक्चुअल प्रैक्टिकली देखें तो चाहे आपके छेद इस तरफ लगाओ और चाहे जैसे M30S के इधर लगाया तो उधर लगा हो सेंटर में, तो वो ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाली बात है नहीं। तो प्रैक्टिकली ये मेरे को कोई लॉजिक नहीं लगता कि आप इस छोटे से छेद के लिए इतने पैसे ज़्यादा भरें और M30S को छोड़ें। उसके बाद आपको इसमें मिल जाता है डिस्प्ले की, आपको पहले बात करते हैं डिस्प्ले। इसमें इन्होंने OLED दे दिया है, बट अगर OLED की बात की जाए तो सबसे बड़ा OLED जो डिस्प्ले सैमसंग जो बनाता है उसका कोई मुकाबला नहीं है। 6.4 इंच का सुपर AMOLED डिस्प्ले, AMOLED डिस्प्ले इसमें दिया गया है, तो ब्लू लाइट फिल्टर भी दिया गया। तो इस वगैरह में अगर हम कंपेरिजन करें तो ये दोनों फ़ोन बराबर हैं, क्योंकि इसका डिस्प्ले बेहतरीन है और ये आपको सस्ते में मिलेगा एज़ कम्पेयर टू दिस फ़ोन। तो इसमें भी हमारा M30S जीतता है। अब बात करते हैं इसकी कैमरे की। कैमरा में इन्होंने अब एक फ्रंट और रियर में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर दिया। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मोबाइल फ़ोन्स में ये सब छेद का कमाल है, इसमें भी छेद लगे हैं, उसमें तीन छेद, इसमें तीन छेद हैं, उसमें चार छेद उन्होंने दे दिए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कैमरा बेटर है। बात क्या होती है, बात मेनली होती है UI की, मतलब जो उसमें सॉफ्टवेयर है उसका सारा खेल है। तो सॉफ्टवेयर के मामले में वीवो के फ़ोन्स काफ़ी अच्छे माने गए हैं, क्योंकि ये कैमरा को लेकर काफ़ी अच्छे तरह से काम करते हैं। तो आपका हल्का सा भी ज़्यादा फोकस्ड है इंटरेस्ट, हालाँकि M30S भी आपको अच्छे रिज़ल्ट दे सकता है अगर आप ढंग से इससे फ़ोटो खींचेंगे। तो अगर ऑन द अदर हैंड आपको फ़ोटोग्राफी की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, आपको लाइटिंग का बिल्कुल नहीं पता, तो आप सीधा बस इन बिल्ट फ़ोन में अच्छी फ़ोटो लेना चाहते हैं, तब उस केस में आप थोड़े पैसे ज़्यादा भरकर इस फ़ोन को ले सकते हैं ताकि आपको फ़ोटोज़ बिना किसी तामझाम के अच्छे मिल जाएं। लेकिन अगर ऑन द होल देखा जाए तो कैमरे में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, सिर्फ ये पिक्सल्स के ऊपर मत जाएं फ़ोन्स के कैमरा में, ये जस्ट एक छेद है। मेन काम है आपके UI का, UI जितना अच्छा होगा, जितने उसके हिसाब से चलेंगे उतनी अच्छी फ़ोटो आएंगी। तो कैमरे को लेकर मेरे को एक आम यूज़र के हिसाब से ये फ़ोन आप मेरे को महंगा लग रहा है V17, क्योंकि ये इन्होंने 22-23 हज़ार रुपये के रेंज में लॉन्च करा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। ये मिड रेंज को क्रॉस करता है, मिड रेंज में बेसिकली फ़ोन आते हैं जो आपके 20 से नीचे रहें, 15 से 17 की रेंज में आपको फ़ोन मिलना चाहिए। अगर वीवो V17 इस रेंज में इसको लॉन्च करता तब इसका ये मुकाबला कर सकता था, अदरवाइज़ इस प्राइस रेंज में इन्होंने करके इन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये जो फ़ोन दे रहा है इस रेंज में उसके मुकाबले इसमें पैसे खर्च करना बेवकूफ़ी होगी मेरे हिसाब से।
आप सबसे बड़ा फैक्टर इसमें है बैटरी। इसमें आपको 6000 mAh की बैटरी मिलेगी, इसमें आपको 4500 की बैटरी मिल रही है। तो यहाँ पर फिर सैमसंग M30s जीतता है। और जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है, ज़रूर इसमें इन्होंने 8GB का आपको बाय डिफ़ॉल्ट रैम दे दिया है और 128GB की स्टोरेज दे दी है रोम। और इसके अलावा आपको 675 क्वालकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर आपको मिलेगा। तो इसी लिहाज से फास्ट चार्जिंग है इसमें, तो थोड़ा सा आपको गेमर्स को फ़ायदा हो जाएगा अगर आप थोड़ा गेमिंग में इंटरेस्ट है आपका, मतलब कोर गेमर हैं आप, तो आपको ये फ़ोन तब मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप M30s को छोड़ के इसको लें। अदरवाइज़ आप अगर एक सिंपल यूज़र हैं जो कि गेम्स खेलता है पर इतनी ज़्यादा नहीं खेलता, जैसे कि हम इसमें गेम्स भी खेलता हूँ कभी कभी और वीडियोस बनाते हैं, वीडियो शूट करते हैं, तो उस हिसाब से ये अच्छा है। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से वीवो V17 एज कम्पेयर टू हमारा M30s पीछे ही है, क्योंकि इस फ़ोन ने महंगा लॉन्च होकर अपनी मार्केट ख़राब कर ली मेरे हिसाब से। अगर ये फ़ोन 15-16 के बीच रेंज में ही लॉन्च किया जाता तब ये M30s को पीछे छोड़ सकता था, बट अब चूंकि इन्होंने काफ़ी महंगा लॉन्च कर दिया है, क्योंकि अब इन्होंने काफ़ी महंगा लॉन्च किया है, तो रेस में ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी में M30s जीतता है वीवो V17 के मुकाबले भी। लेकिन किसके लिए फ़ोन? कोर गेमर्स के लिए फ़ोन है जो कि बहुत ही ज़्यादा गेमिंग करते हैं उनको ये, और वो लोग जो कि फ़ोटोग्राफी पे बहुत फोकस्ड हैं और वो ज़्यादा UI के ऊपर या मतलब कंडीशंस को नहीं मानते, बस एक अच्छा कैमरा चाहते हैं कि अपने आप फ़ोटो दबाए और बढ़िया फ़ोटो आए। तो ये दो फैक्टर्स हैं जिसके लिए आपको 5-6 हज़ार रुपये ज़्यादा खर्च करके वीवो V17 लेना चाहिए। अदरवाइज़ किसी भी एंगल से M30s के मुकाबले V17 नहीं बैठता। और ओवरऑल आउटपुट कैसी रहेगी इस फ़ोन की, इसको वो मात नहीं कर पाएगा क्योंकि इस फ़ोन की मार्केट बहुत बन चुकी है, क्योंकि बैटरी लाइफ, OLED डिस्प्ले एंड कॉम्पैक्ट मतलब गुड डिज़ाइन एंड ओवरऑल जो सारा पैकेज था इसमें, वो इसमें काफ़ी बेटर है एज़ कम्पेयर टू अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो। अदरवाइज़ थोड़ा वो प्रीमियम सेगमेंट में फ़ोन आ रहा है वीवो V17, क्योंकि 22-23 हज़ार का लॉन्च हो रहा है, तो 22-23 हज़ार में अगर आप मिड सेगमेंट को मानते हैं तो गलत सोच है आपकी, क्योंकि मिड सेगमेंट हमारा 15-16 के रेंज में रहता है, तो ये उसको क्रॉस कर गया है। तो अब ये बीच का मतलब ना तो ये फ्लैगशिप वाली साइड ज़्यादा जा पा रहा है फ़ोन, ना ये मिड सेगमेंट में जा पा रहा है, ये बीच में कन्फ्यूजन सी लाइन, एक नया ही एंगल सा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट में वीवो वाले, क्योंकि 22-23 हज़ार में काफ़ी इस तरह से फ़ोन लॉन्च हो चुके हैं। तो मेरे हिसाब से उस सेगमेंट में काफ़ी कम लोग हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो इंडियन कस्टमर है वो मिड सेगमेंट में है और वो चाहता है कि इस प्राइस रेंज में बेहतरीन फ़ोन उनको मिले, और वो चीज़ सैमसंग M30s आपको प्रोवाइड करवा रहा है। तो मेरा विचार इसमें यही है कि अगर आप एक मिड सेगमेंट फ़ोन की तलाश में हैं, बहुत अच्छे मिड सेगमेंट फ़ोन की तलाश में हैं, तो इतने पैसे खर्च कर कर आप वीवो V17 पे मत जाएं, बल्कि सैमसंग ब्रांड का सैमसंग M30s में इन्वेस्ट करें और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यही था मेरा विचार मेरे अपने, बाकी आप बता सकते हैं आपको कैसा लगा वीवो V17 और अपने कमेंट्स में लिखिए। और M30s से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपका तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आपको ये फ़ोन अच्छा लग रहा है M30s, आपको कैसा व्यू दे रहा है, आपको कैसा एक्सपीरियंस दे रहा है, वो भी ज़रूर शेयर करें कमेंट्स में, जैसे आप पिछली वीडियोस में कर रहे हैं। इससे होगा क्या, लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा इस फ़ोन में। तो होप आपको पसंद आएगा वीडियो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।